इन अल्लाह बेशम देता है जिनकी अमानते हैं इन्हे से है अमानतों से जो अल्लाह तला ने चीजे फर्ज की है उन फराइज को अदा करूँ इसी तरह जब कोई शख्स हमें अमानता कोई चीज रखवाता है तो उसकी हिफाजत जरूरी है और उसे वापस करना जरूरी है एक कॉल ये भी है कि यहाँ अमानत से मुराद मुरादा है तो उसे दिया जाए मनसब उसे दिया जाए जो उसका अहल हो वक्म तुम बेनसम बिल आदली और ये कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो दोनों फरीक में से किसी की कुछ रियायत न करो उलमा ने फरमाया हाकिम को चाहिए जज को इस्लामी अदालत के काजी को चाहिए कि पांच बातों में दोनों फरीकों के दरमियान बराबर का कर सलूक करे नंबर एक अपने पास आने में जैसे एक को मौका दे दूसरे को भी दे दोनों फरीक हाकिम के पास आसानी से आ सके नंबर दो नशिश दोनों को एक सी दे किसी को आला किसी को अदना नहीं बल्कि दोनों फरीक इंसाफ के लिए आए हैं दोनों को एक तरह की नशिश दे एक तरह ही बैठने की जगह हो दोनों फरीकों की नंबर तीन दोनों की तरफ बराबर मुतवजह रहे ये नहीं कि एक की तरफ तवज्जो करे दूसरी की तरफ वो अदम तवज्जो करे नंबर चार कलाम सुनने में हर एक के साथ एक ही तरीका रखे दोनों से बात सुने पूरे इतमान से सुने और दोनों से सुनने का तरीका उसका एक ही होना चाहिए नंबर पांच फैसला देने में हक की रियायत करे जिसका दूसरे पर हक हो पूरा पूरा दिलाए हदीस शरीफ में है कि इंसाफ करने वालों को कोरबे इलाही में नूरी मिंबर आता होंगे यहाँ पर ये जो ओलमा ने पांच बातें लिखी हैं ये गो के हाकिम के लिए हैं कि वो फरीकैन के दरमियान इस तरह ख्याल करे काजी के लिए हैं जज के लिए हैं लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने घरेलू मामला में भी कारोबारी मामला में भी और रिश्तेदारों में या दोस्तों में अगर झगड़ा हो जाए और हमें कोई सालिस बनाए तो उनमें फैसला करने में भी हम इन पांच उमूर का ख्याल करें फिर देखें ये पांच उमूर क्या है नंबर एक जिस तरह एक को अपने पास आने का मौका देते हैं, दूसरे को भी दें। दोनों को बैठने की जगह यक्षा दी जाए ये नहीं कि एक को करीब बिठाया जाए और दूसरे को करीब ना आने दिया जाए दोनों की तरफ बराबर मुतवजे हो और दोनों के कलाम को सुनने का एक ही तरीका हो दोनों की बात तो से सुने और फैसला देने में ये देखे कि हक किसके साथ है तो जो हक पर हो उसके हक में फैसला दे चाहे वो उसका करीबी रिश्तेदार ना हो और जो करीबी रिश्तेदार है अगर वो हक पर नहीं है तो उसके खिलाफ फैसला दे इंसाफ के साथ फैसला करना इंतहा जरूरी है वही तुम और ये कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो इन अल्लाह बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है या अयोल्ल आमो अति रसूल ऐमान अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल का हुक्म मानना अल्ला का हुक्म मानना है बुखारी मुसलिम की हदी से सैयद आलम सल वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इतात की उसने अल्लाह की इतात की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की मेरी इताद की और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की, 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 की। वो उलिल अमरिमिन कुम और उनका हुक्म मानो जो तुम में हुकूमत वाले हैं इस आयत से साबित हुआ की जो मुसलमान उमरा है हु है हाकिम है उनकी इताद भी वाजिब है मगर उस वक्त तक इताद वाजिब है जब उनका हुक्म हक के मुताबिक हो अगर ये हक के खिलाफ शरीयत के खिलाफ हुक्म दें तो इनका कहना नहीं माना जाएगा फीन तनाजातुम फी शय फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे आपस में किसी बात पे झगड़ा हो जाए फर उदू इलासूल तो उसे अल्लाह और रसूल के हजूर रजू करो यानी वो हुक्म वो मसला अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में ले जाओ जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है जो शरीय है उसके मुताबिक फैसला करो इन तुम तो मिन अबिल्लाउमिल आखिर अगर अल्लाह और क्यामत पर ईमान रखते हो तो इस पर अमल करो जालिक खैरों व आहसन तवीला ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा इस आय से मालूम हुआ किस्म के है एक वो आकाम है जो किताबुल्लाह के जाहिर से साबित होते है एक वो आकाम है जो हदीस के जाहिर से साबित होते है और एक वो आकाम है की जो है तो कुरान हदीस के लेकिन जाहिरन साबित नहीं होते उसके लिए कयास करना होता है और मुश्तहिद कयास करके वो आकाम निकालता है तो इस तरह अहकाम की तीन किस्में हो गई उल अम्र में इमाम भी है अमीर भी है बादशाह भी है हाकिम भी है काजी भी है तो इन सब की इत शरीयत के दायरे में रहकर करना वाजिब है खिलाफत कामिला तो जमाने रिसाल बाद तीस साल रखी नबी नबीक्रम सला के विशाल ज़ाहिरी के बाद सिद्दी के अकबर का दौर मुबारक तकरीबन ढाई साल हजरत उमर रदी अल्लाह का दौर मुबारक तकरीबन दस साल हजरत उस्मान गनी का दौर मुबारक तकरीबन बारह साल हजरत अली रदी अल्लाह त दौर मुबारक तकरीबा साढ़े चार साल हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह त दौर मुबारक तकरीबा छः माह तो ये टोटल करें तो ये तीस साल बनते हैं इसमें खिलाफत कामिल रही और फिर बनो मैया में बनो अब्बास में जो खिलाफत थी वो खिलाफत नाकिसा थी तो खिलाफत नाकिसा खलफा अब्बासिया में भी थी लेकिन अब तो खिलाफत यानी इमामत नहीं पाई जाती क्योंकि इमाम के लिए खलीफा के लिए कुरैश में से होना शर्त है और ये बात अक्सर मकाम में मौजूद नहीं है लेकिन सल्तनत इमारत बाकी है सुल्तान अमीर बादशाह हैं और ये भी उल उल अमर में दाखिल हैं, इसलिए हम पर इनकी इताद भी लाजिम है लेकिन पहले अर्ज कर दिया गया कि हुक्मरान की इताद शरीयत के दायरे के अंदर है अगर कोई हाकिम शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी कोई हाकिम मुल्क को नुकसान पहुंचाए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, मुल्क में इस्लामी कानून को खत्म करना चाहे तो फिर उसकी इताद नहीं की जाएगी जालिक खैरों व आहसन तवीला ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा सूरत का आठवां रुकू मुकम्मल हुआ अल्लाह आलमीन इस रुको की बरकतों से मालामाल फरमाए इसके नूर से हमें रोशन और मुनवर फरमाए